सर ने बहुत ही अजीज और मोहतरम और मुश्किल उस्ताद बशीर भट्ट साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए। प्रोग्राम दो अदवार पर मुश्तमिल है। पहला दौर मुशायरे का है जिसमें हमारे शुरा काम अपने अपने कलाम पेश करेंगे और दूसरा दौर होगा महफिल मौसीकी जिसमें उस्ताद बशीर भट्ट साहब के अलावा ओकार सिंह और रिफ भट्ट भी अपने फन का मुजाहरा करेंगे। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आज की तकरीब उस्ताद बशीर भट्ट साहब के तकरीबन 50 बरस के लंबे सफर और इस लंबे सफर में मौसीकी के शोबे में उनकी खिदमात को उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब मुनद गई है। साथ ही मौसीकी के शायकीन को इस खुशखबरी का भी यहाँ हिस्सा ये देना है कि मौसीकी के शायकीन को ये खुशखबरी भी देना है कि आज उस्ताद की एक सीढ़ी साहिबान बदल का यहाँ खुला हो रहा है। ये सीढ़ी उस्ताद की जिंदगी की पहली बाकायदा सीढ़ी है जिसकी गुलकारी के साथ साथ म्यूजिक कम्पोजिशन और रागों का इंतखाब भी आपने किया है और आपने मुख्तलिफ साल भी इसमें बजाए हैं। तबले और संगत प्रीतम सिंह की है। मुझे उम्मीद है कि यह सीढ़ी आपको पसंद आएगी। हमने इसकी फरोख का यहाँ इंतजाम किया है। बाहर आपने देखा होगा कि यह सीढ़ी मौजूद है। बहुत वाजबी कीमत है 400 शिलिंग। आप इस सीढ़ी को लीजिए। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगी। इसमें शायरी भी है, क्लासिक मौसीकी भी है, राग है और खूबसूरत कलाम है। इसको मिलेगा इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ आज रिलीज की जाएगी और तकरीब का एक मकसद ये भी है कि इसका यहाँ हिजरा किया जा सके। इसी सीढ़ी के हवाले से मैं उसका बशीर भट्ट और मजनू साहब के बारे में कुछ कहने देता हूँ। इन्हें उस सेंटर के चेयरमैन जनाब वसीम भट्ट साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो उस्ताद हाशिम भट्ट साहब को इन्हें और उस सेंटर की जानब से और वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं मुख्तसर उस्ताद का तारुफ आप खवातीन आपके सामने करूंगा। उस्ताद बशीर भट्ट साहब की पैदाइश नैरोबी में सन 1934 में एक ऐसे घराने में हुई जहां उनके वालदैन को मौसीकी से दूर का वास्ता या ताल्लुक भी ना था। अलबत्ता बड़े भाई को कुछ मौसीकी से लगाव था। वो गजलें और गीत गाया करते थे। उस्ताद की परवरिश ऐसी माहौल में हुई लेकिन ये उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि उन पर बड़े भाई का असर कब चला। इतना जरूर याद है कि 15 या 16 साल की उम्र में उस्ताद गुनगुनाने की हद से आगे बढ़ गए और बाकायदगी से उस जमाने में जो गीत और गजलें होते थे उन्हें गाने लगे। ये शौक बढ़ता गया और इतना बड़ा कि उस्ताद को एक रहनुमा की यहाँ तलाश हुई, ये जस्तजू हुई। रागी मोहन सिंह मूसापुरी साहब उस जमाने में अपना शोहरा रखते थे। उस्ताद ने उनके आगे फिर कहते हैं कि उनके आगे तलमुज किया, जान में तलमुज तय की। मेरी उर्दू उन्होंने अच्छी की, जान में तलमुज तय किया। और उस्ताद रागी मोहन सिंह मूसापुरी साहब ने अपनी खास तवज्जो से उस्ताद को मौसीकी के बारीकियाँ और इसके फन के बारे में बहुत कुछ बताया। उस्ताद का सफर जो मौसीकी का जारी हुआ था वो इसी तरह आगे बढ़ता रहा। लेकिन ये शौक यहाँ कम नहीं हुआ। उस्ताद ने जहाँ प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम किए उस दौर में, बल्कि अपने भाई बड़े छोटे भाई लई अहमद साहब के साथ उस जमाने में उस्ताद एक जोड़ी की शक्ल में प्रोग्राम किया करते थे। बहुत सारे खबरों हजार जो यहाँ तक तशीफ रखते हैं उनको याद होगा वो दौर भी कि जब वो उस्ताद की जोड़ी के फन से महसूस हुआ करते थे। उस्ताद का शौक जब हद से बढ़ा तो मजीद उसूल तालीम के लिए मौसीकी के उस्ताद पाकिस्तान तशरीफ ले गए और वहाँ मशहूर क्लासिकी घराना है शाम 84 घराना, उसके दो अजीम फनकारों उस्ताद नज़ाकत अली खान और उस्ताद सलामत अली खान से आपकी मुलाकात हुई और आपने उनकी शागिर्दी हासिल की, उनसे फैज हासिल किया। इन दो अजीम फनकारों ने उस्ताद को फन के इस मकाम तक पहुँचने में बहुत मदद की जहाँ उस्ताद को आज हम सब सिर्फ बशीर भट्ट साहब के नाम से नहीं उस्ताद बशीर भट्ट साहब के नाम से जानते हैं। उस्ताद के मौसीकी का सफर तो अब जारी है। जो पिछले 50 बरस पहले शुरू हुआ था वो आज तक जारी है, खत्म नहीं हुआ है।
دوران مستقبل جتاش کے شاگرد ہمارے شہر میں بھی موجود ہیں, افریقہ کے دوسرے ممالک میں موجود ہیں, امریکہ, کینیڈا اور برطانیہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے فن کا جادو جلا رہے ہیں. ہماری خوش قسمت ہے کہ استاد کے ساتھ ساتھ ان کے دو لائف شاگرد بھی یہاں موجود ہیں. میری مراد ہے جناب اوپکار سنگھ جی سے اور پھر پٹنی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد وہ بھی اپنے فن کا یہاں مظاہرہ کریں گے اور ہم ان کے فن سے محسوس ہوں گے. بشیر بٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں. استاد بشیر بٹ کینیا میں اردو گائیگی اور ادائیگی اور موسیقی اور اس کی تربیت ترقی کی نسبت سے بلا شبہ ایک اہم مقام پر پائے ہیں. ان کی غزل اور نظم کی گائیگی اور ادائیگی منفرد اور فن موسیقی کے تمام پیمانوں پر ہر لحاظ سے پوری اترتی ہے. اس ملک میں وہ گزشتہ کئی عشروں سے اپنی آواز کا جادو جگا رہے ہیں. الہ عزیز استاد بشیر بٹ نے اپنا فن اور اپنا علم خود اپنے آپ تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچا. آج ہم شاہد ہیں کہ ان کے کئی شاگرد بھی موسیقی کے میدان میں اپنے جوہر دکھا رہے ہیں. استاد بشیر بٹ موسیقی کے تمام شعبوں سے واقف اور ان پر حاوی ہیں. ان کی ترتیب دی ہوئی دھنوں کا معیار اعلیٰ اور پرکیف ہے. میں ان کی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اسی طرح ہمیں اور اپنے دیگر ہزاروں مداحوں کو اپنے فن سے محظوظ کرتے رہیں. آمین. استاد بشیر بٹ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں وسیم بٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ موسیقی کے میدان میں استاد بشیر بٹ صاحب کی جو خدمات ہیں پچھلے 50 سالوں میں اس کا اعتراف کیمیا اور سینٹر کی جانب سے باقاعدہ کریں, اور جو ایک یادگاری شیل کیمیا اور سینٹر نے ان کے لیے آج یہاں بنوائی ہے اس کو بطور ایک مترف ہونے کے یادگار کے طور پر ان کو پیش کریں. قوت نظرات آپ تالیوں میں استاد بشیر بٹ صاحب وسیم بٹ صاحب. Thank you.